नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता में आज बात चार चेहरों की। सत्ता के लिए चेहरे भी हैं और मुद्दे भी हैं। ये चार चेहरे या यूं कहें मुद्दे हैं बंगाल में आंदोलनकारी किसान, नंदीग्राम में नामांकन भरने वाले शुभेंदु अधिकारी, कांग्रेस समेत कई पार्टियों में दल बदलने वाले नेता और जेल में बंद आजम खान। सत्ता के समीकरणों में ये चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं ये आज हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत में मंदिर मजार हिंदू मुसलमान के बीच आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसान भी शामिल हो गए। ये बंगाल में सत्ता का खेल बनाने नहीं बल्कि बीजेपी का खेल खराब करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन क्या बंगाल की सियासत में कभी किसान मुद्दा रहा है? चलिए समझने के लिए बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंदोलनकारी किसानों की एंट्री हो चुकी है। इनका दावा है कि वो बंगाल में बीजेपी को सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप बीजेपी को छोड़ के किसे वोट दें। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता। मैं नहीं जानता कि आपके प्रदेश की सरकार अच्छी है या नहीं। बस मेरी तो एक ही विनती है, कमल के भ्रूण को वोट देने की भूल ना करें। मगर बड़ा सवाल ये कि क्या ये किसान बंगाल चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? क्या किसान बंगाल के सियासी समीकरण में बदलाव ला सकते हैं? ये सवाल इसलिए अहमियत रखते हैं क्योंकि जिस बंगाल के सियासी रण में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान उतरे हैं वहाँ कभी किसान मुद्दा बना ही नहीं। मंदिर मजार और हिंदू मुसलमान के बीच किसान कभी राजनीति के केंद्र में आया ही नहीं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बंगाल के किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि बंगाल सरकार ने किसानों की मौत पर 2 लाख रुपए का मुआवजा देने वाली कृषक बंधु योजना शुरू की है, जिसमें राज्य के कृषि विभाग के मुताबिक 9,000 किसानों को कृषक बंधु योजना का लाभ मिला है। सवाल यह कि जब किसानों ने आत्महत्या ही नहीं की फिर वो 9,000 किसान कौन थे जिन्हें इस योजना के तहत लाखों रुपए मुआवजा दे दिया गया। बंगाल में किसानों की स्थिति शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 72 लाख किसान परिवार हैं। 2016-17 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में किसान परिवार की औसत आय 7,000 से भी कम है। हालांकि 2019 में ममता सरकार ने दावा किया था कि पिछले 8 साल में बंगाल में किसानों की आय में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे कई आदिवासी इलाके हैं जहां गरीब किसान चावल के साथ आज भी चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि हम 21वीं सदी में जब ना जाने कौन कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं तब हमारे ये आदिवासी आज भी ये चींटियों की चटनी खाने को मजबूर है। सब्जी किनने के लिए पैसा नहीं है तो ये पेड़ में मिलता है चींटियां, इसलिए वो लोग चींटियां खाते हैं। ये आलम तब है जबकि करीब 150 साल पहले इसी बंगाल में किसानों ने नील आंदोलन किया था। नील की जबरन खेती कराने के खिलाफ नादिया से लेकर मालदा और दिनाजपुर के लाखों किसान भी इस आंदोलन में जुटे, जिसका ऐसा असर हुआ कि बिहार के चंपारण और दरभंगा के किसान भी इस आंदोलन में जुड़ गए और आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को हार मानकर किसानों के हक में फैसला देना पड़ा। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।